क्या हो रहा है, इतना ये आके बाउ कर रहे हैं यहाँ पे। एज यू नो फाइनली बाजी को बाजी राव अनाउंस कर दिया गया है और बाजी राव फर्स्ट टाइम शाहू जी महाराज से इन दोनों का मिलन हो रहा है अपने फादर के साथ, बालाजी के साथ बाजी आए हैं और मैं पहली बार, शाहू जी पहली बार बाजी को देख रहे हैं। बाजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है उन्होंने, पहले बाजी ने ये किया बाजी ने वो किया जो कि बालाजी बताते रहते हैं। तो सो फाइनली वी आर मीटिंग इन द सीन और यहाँ पे शुरू में ही मुझे पता चल जाता है कि हाउ इंटेलिजेंट बाजी इज़ और मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ ही इज़ द राइट कंटेंडर। तो मैं फाइनली अनाउंस कर देता हूँ कि आप हमारे स्वतंत्रता के स्वराज के सेनानी होंगे। बाकी आप अपने आप में काफी खुश लग रहे हैं। हाँ एक्चुअली क्या कि मैं बहुत खुश हूँ इनसे मिलने के लिए क्योंकि मैं पहली बार शाहू महाराज से मिलने जा रहा हूँ जो कि असली राजा है सिंहासन के। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है इनसे मिलने के लिए, इनका साथ देने में, मैं इनकी सहायता करने में एक्चुअली मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है। बाजी बहुत स्ट्रगल किया आपने, अभी फाइनली आपको बाजी पूरा वो एक कहते हैं ताज पूछी या जो भी एक खिताब नामकरण तो फाइनली। हाँ लेकिन अभी मैं बोलता हूँ कि ये तो अभी तक मैं राव बनने लायक हुआ नहीं हूँ क्योंकि अभी तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी। अगर उसके बाद आप मुझे ऐसा घोषित करते हैं तो अलग बात है। टेबल पे वो क्या था? वो मोड़ी लिपि में एक दूसरी लैंग्वेज में उन्होंने माँ लिखा है विच इज़ आई इन मराठी। सो वो उस लिपि में उन्होंने लिखा है एंड वो अपने थॉट प्रोसेस में है क्योंकि उनकी शाहू जी की मदर अभी भी औरंगजेब के बेटे आजम की कैद में हैं जिनको बाद में रिहा किया जाता है, जो बालाजी को पेशवा बनाने के बाद उनको बालाजी और शाहू जी लेने जाते हैं। सो वैसा कुछ जो रियल हिस्ट्री में है तो वही माँ को याद कर रहे हैं और इज अ बिट इमोशनल कि यार कब आएंगी मम्मी, आई वांट माय मॉम बैक। थैंक यू।